नमस्कार दर्शक मित्रों, न्यूज मळी रह्या छे अरवल्ली धनसुराथी। धनसुराना प्रसिद्ध गढ़ी माताजीना मंदिरे श्रावण मास में 21,21,121 पार्थिव शिवलिंगनुं निर्माण करवामां आवशे। अरवल्ली जिल्लाना धनसुराना प्रसिद्ध गढ़ी माताजीना मंदिरे महामंडलेश्वर पूरण शरणदासजी महाराज द्वारा पवित्र श्रावण मास में 21,21,121 पार्थेश्वर महादेवजीनुं निर्माण अने पूजन महामृत्युंजयना जाप साथे तृतीय अनुष्ठान योजवामां आव्युं छे। अरवल्ली जिल्लाना धनसुरा रामजी मंदिरना महंत महामंडलेश्वर पूरण शरणदासजी महाराज द्वारा पवित्र श्रावण मासमां सर्वेनी मनोकामना पूर्ण थाय ते संकल्प साथे 21,21,121 पार्थिव शिवलिंगनुं निर्माण पूजन महामृत्युंजयना जाप साथे तृतीय अनुष्ठाननुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां मोटी संख्यामां भक्तो गढ़ी माताजीना मंदिरे पार्थिव शिवलिंगनुं निर्माण करवा माटे आवे छे, जेमां आज दिन सुधीमां 7,00,000 शिवलिंगनुं निर्माण थयुं छे। गढ़ी माताजीना मंदिरे भक्तो मोटी संख्यामां उपस्थित रहे छे। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगनुं निर्माण अने पूजन करवामां आवे छे, जेमां पूजन करता पंडित श्री निरंजनभाई शास्त्री छे। आ समग्र कार्यक्रम रामजी मंदिरना महंत महामंडलेश्वर पूरण शरणदासजी महाराजना मार्गदर्शनमां योजाई रह्यो छे। धनसुराथी अमारा रिपोर्टर देवांगभाई सोनी साथे पड़कार, अरवली न्यूज ब्यूरो ऑफिस, मोड़ासा। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमस्ते। पवित्र गढ़ी माता धाम में चतुर्थ रामधुन में 1,25,000 भक्तों ने भोजन आने रामधुन करी अन फरीती अपने 21,00,000 पार्थेश्वर महादेव निर्माण ना भक्तों ना साथ आने सहकार थी, भोजनना दाताओना पण साथ सहकारथी आजे 12 दिवसथी पार्थेश्वर महादेव निर्माण करवामां आवे छे। अन आजो श्रावण मासनो बीजो सोमवार, एमां राजेन्द्र काका, राजेन्द्र कुमार, मोहनलाल मेहता एमना परिवार वती करीब 3500 बालकोने गढ़ी माताना भोजन प्रसाद करायुं। अन अहीं पण बधा ज भोजननो एमना परिवार वती छे, तो बधाने खूब खूब साथ आने सहकारथी आ कार्यक्रम उजवाय छे, त्यारे तमाम भक्तोने गढ़ी माताना आशीर्वाद रहे ए शुभकामना साथे जय सियाराम। ना प्रवेश स्थान पर गढ़ी माताना मंदिरनी अंदर 21,00,000 शंकर भगवान ने शिवलिंग बनावाना छे, तेने शुरुआत एकमथी थई छे। ते आठ दिन सुधी में 7,00,000 शिवलिंग बनी गया छे, 21,00,000 शिवलिंग बनावानो टार्गेट छे। ભક્તોનો ઉત્સાહ એટલો બધો છે કે 21,00,000થી પણ વધારે એમ કે શિવલિંગ બનશે એવી ભક્તોની ઈચ્છા છે, ભાવના છે, અને બહુ સરસ રીતે આ કાર્યક્રમ ચાલુ રહ્યો છે।